बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग खागीना, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार बनाने को दिल करेगा। आप इसे नाश्ते में बनाइए, सुबह बनाइए और खाने में दोपहर में बनाइए, जब आपका दिल चाहे आप इसे बनाकर खा सकते हैं। यकीन माने इतना टेस्टी होगा कि आपका बार बार इसे बना के खाने को दिल करेगा और बनाना भी बहुत सिंपल है। यहाँ 1/4 कप मैंने ऑयल लिए और इसमें 2 मीडियम प्याज मैंने हाफ हाफ करके देखे इस साइड में मैंने काट लिए और अब हम इसे थोड़ा सा ना प्याज़ों को सुनहरा होने देते हैं। प्याज के आप 4 टुकड़े करके और फिर उनको आप बारीक काट लीजिए। और प्याज यहाँ पर मैंने मीडियम लिए हैं। आप अगर थोड़ी सी प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़े से प्याज ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं को मैंने हल्का सा सुनहरी कर लिए, इनको हमने डार्क नहीं करना। और अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देते हैं और हरी मिर्चें चॉप की हुई, 5 से 6 हरी मिर्च मैंने चॉप की हुई है वो ऐड कर देते हैं और इनको हल्का सा फ्राई करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने सब्सक्राइबर की कि उन्होंने मुझे मोहब्बत दी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और नए आने वाले दोस्त जो मेरे चैनल पर नए हैं, उनसे मैं यही गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप्स के साथ रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जिन्हें बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर टमाटर जो हैं तकरीबन पक गए हैं, इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि प्याज भी हमारे ज़्यादा लाइट ब्राउन ना हो जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। टमाटर और हरी मिर्च पक चुकी हैं तकरीबन। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करते हैं। 1/2 चम्मच चाय का मैंने यहाँ पे पिसा हुआ जीरा लिया और 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे, 1/2 इसके अंदर नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच इसके अंदर मिर्च ऐड कर देंगे, मिर्च पाउडर। आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाएं और उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी खुश्क होकर और हमारे मसाले पक गए हैं और ये देखिए यहाँ पर जो है मसाले ने ऑयल रिलीज़ कर दिया। अब इसके अंदर हम फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपने थोड़ा सा पानी डाल के फिर इसके अंदर अंडे ऐड करने हैं। डाल दिए, अभी हमने अंडे को छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा इसे हल्का सा हम इसे नीचे से पकने देते हैं। अगर हमने फौरन इसके अंदर चम्मच चला दिया तो ये बिल्कुल इसके अंदर हल हो जाएगा। छोटे छोटे अंडे के पीस रहे हैं बीच में, जो बहुत ही देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसे पकने देते हैं नीचे से, फिर इसे हिलाते हैं। अंडे कुछ पक गए हैं नीचे से। अब किस तरीके से आपने आराम आराम से इसके अंदर चम्मच चलाना है। देखिए कितना शानदार हमारा खागीना तैयार हो रहा है, जिसे देखते ही खाने को दिल करे। अंडे पकने के बाद बस ये तैयार हो जाता है। चलिए अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसके ऊपर हल्का सा धनिया छिड़क देते हैं। लीजिए हमारा एग खागीना तैयार है। आप चाहे तो पराठे के साथ खाएं, चाहे तो रोटी के साथ खाएं। चलिए आप इसे डिश में निकाल लेते हैं। लीजिए गर्मा गर्म एग खागीना तैयार है।
आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर करें और नए दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर मेरा पेज है उसे ज़रूर फॉलो करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।